आज इंडिया ऑन कैनवस का एग्जीबिशन है यहाँ पे, पूरा हिंदुस्तान का जैसे जिस तरह से छवि होती है वो छाई हुई है। अनुपता जी की जो पेंटिंग्स हैं दे आर सो ब्यूटीफुल, शी स्पेशलाइजेज इन इंडिया ट्रैवल एंड जहाँ जहाँ पे गई हैं, विजिट किया है जगहों को उन्होंने, वहाँ पे जो उनको अच्छा लगा है वो उसको उन्होंने कैनवस पर उतारा है। इट इज़ सो वंडरफुल टू सी, कहीं पर आप नाव देख रहे हैं, कहीं मंदिर की घंटियाँ देख रहे हैं। नथिंग मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट विच आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू इज द मगन पेंटिंग जो इनकी है, जो वुमनिया जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया है एंड इट्स पार्ट ऑफ द वेबसाइट एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर इट। इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इट हैज डांस इन इट एक्चुअली, सो आई थिंक विच इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इंडिया लुक सो कलरफुल। हिंदुस्तान की स्पेशलिटी यही है कि हमारे हर जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पर हर अलग अलग टाइप के लोग दिखते हैं आपको और वहाँ पर अलग अलग दृश्य दिखता है आपको, एंड आई थिंक वो उन्होंने उतारा है कैनवस पे एंड दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो ऑल द बेस्ट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So for me, what I believe totally is art can transform the mundane to the extraordinary. So I actually paint common everyday life people and things, objects, but to me they appear beautiful and that's what I like to paint. And yes, he talked about Momania, the Magan painting that I have done. It's an honor to be having the government select that as a mascot for their project called Momania on Gem. And that's how I paint basically my various trysts with the different cultures that is India, which is so close to my heart. Well, मैंने तो मेरा स्मार्ट था, मैंने पहले देख लिया था पहले से एंड आई सॉ देयर वर्क एंड आई थॉट इट इज़ वेरी लवली। तीनों आर्टिस्ट जो यहाँ पे आए हैं उनके हर किसी का काम बहुत खूबसूरत है और यूनिक है, अलग है तीनों एक दूसरे से। एट द सेम टाइम तीनों में एक मिलाव है जो एक साथ जोड़ता है। दैट्स व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट, इज़न्ट इट? हम सब अलग अलग लोग हैं बट वी ऑल हैव टू टुगेदर एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इंडिया ऑन कैनवस आज दिखा रहा है आपको एंड आई डिड माई होमवर्क वेरी वेल। यस, वेल आई थिंक इट इज़ लाइक आप पूछ रहे हैं तीनों बच्चों में से कौन पसंद आता है आपको। आई वुड से तीनों अलग ही हैं। एक आर्टिस्ट टॉक्स अबाउट घर के बारे में बात करता है, किचन के बारे में बात कर रहा है, एक आर्टिस्ट ट्रैवल के बारे में बात कर रहा है और एक टिपिकल रिलेशनशिप से लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो तीनों बिल्कुल अलग हैं बट आई थिंक कनेक्टिंग पॉइंट यही है कि हमारे देश की खूबसूरती बाहर निकलती है। Well, I think amongst all of them, since her painting, which is a part of Romania, part of government of India now, so I think that's special. So obviously, जो भी हमारा देश select करता है, that always gets recognition. So I would congratulate her for that painting for sure. Thank you. तीन तीन कलाकारों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अपने भारत के बारे में, और जहाँ तक इंद्रानी मैम का काम की बात है, आई थिंक उन्होंने बंगाल को इतना ब्यूटिफुली कैप्चर किया है, वहाँ की जो डे टू डे जो हमारी औरतें काम करती हैं और जहाँ जो वहाँ पर हमें सुंदर दृश्य मिलने मिलते हैं, उन लोग ये शादी का माहौल है तो उनको इतना ब्यूटिफुली कैप्चर किया है, मुझे तो लगा कि एटलीस्ट देयर इज समबडी की इतना कलर्स डाला हुआ है इस पेंटिंग में। और कुछ पूछना है? मैं मग्न मोहित हो गई। काफ़ी सारे ऐसे पेंटिंग्स उनके हैं जो कि मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत से पेंटिंग्स एग्जीबिशंस में हम जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपको समझ आए नहीं आए, पर यहाँ हर किसी ने एक ऐसा पिक्चर पेंट किया है जहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो कि इसकी खासियत है, मैं कहती हूँ। क्योंकि अगर आप ये पेंटिंग देखने जाओ वो एक अलग इरा का बात कह रहे हैं, उनके साड़ी का ड्रेप देखो, ज्वेलरी का स्टाइल देखो, हाँ उनका जूड़ा जैसे बनाया हुआ है, आई थिंक वो हर एक औरत को औरत के बारे में कहता है कि आकर्षक है प्लस सिंपल है। तो मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आया है, वो चारकोल पेंटिंग उनका भी बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पेंट किया हुआ है। हाँ I'm trying to portray the roots that we should go back to in this digital era, I think, and not forget. So that is why I've tried to portray village scenes, particularly based on folk art. And I feel that we should go back and we should, you know, try to relate to them once again.
बिल्कुल रंग बिरंगी और चित्र किसको देखने अच्छे नहीं लगते हैं, और यहाँ पर इन्होंने, और मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने हमारे जो बर्तन जिन्हें हम वैल्यू नहीं देते हैं उनको एक वजूद दिया यहाँ पर, कि इन बर्तनों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वो इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर हमारा पूरा भारत आ गया, भारत की जो संस्कृति है वो इन चित्रों में झलक रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है जिसका सार कुछ इस तरह से है कि एक नन्ना सा दीपक आसमान के ओर छोर तक फैले हुए अंधकार को चुनौती देते हुए कहता है, भले मैं तुम्हारा सारा तम नहीं हर सकता, लेकिन मेरा होना ये सिद्ध करता है कि अंधकार को मिटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। कितना बड़ा मर्म छिपा है इस कविता में, जो हमसे ये प्रेरणा देता है, हमें ये कहता है कि जीवन की राह में आगे बढ़ते हुए भले कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन एक बाधा पे हमें ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। मतलब किस पेंटिंग पे हो जी? मैं बुक लिख रही हूँ, मतलब मैंने 11 किताबें लिख चुकी हूँ मैं अब तक, और मेरी जो अंतिम दो किताबें हैं वो हमारे देश के सैनिकों के ऊपर हैं। एक परमवीर चक्र अवार्ड डायरी, जिसमें हमारे 21 सैनिकों को जो परमवीर चक्र मिला हुआ है उनके बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ ही महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, जो भी अलग अलग चक्र हम देते हैं हमारे सैनिकों को उनके बारे में लिखा हुआ है। और एक जो नई बुक अभी हमने मैं लॉन्च की है कि घर कब आओगे, उसमें उन सैनिक परिवार की व्यथा है कि जब एक सैनिक सरहद पर जाता है तो उसके परिवार वाले, पत्नी क्या सोचती है, माँ बाप क्या सोचते हैं, बेटा क्या सोचता है, उन कविताओं को मैंने अपने एक भाव दिए हैं। आर्ट के ऊपर मैंने नहीं लिखा हुआ है अब, लेकिन कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी तक ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यही रहा है कि मैंने अलग अलग विषय पर लिखा है, मैंने जैसे प्रेरणा लिखी है, स्मॉल मॉरल स्टोरीज लिखी, फिर यादें लिखी, भारत भाग्य विधाता लिखी, जिसमें हमारे सभी क्रांतिकारियों के बारे में है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि हमें ये आज़ादी किन की वजह से मिली, तो उनके बारे में मैंने एक एक स्मॉल स्मॉल स्टोरी कि वो कौन है, क्या है, वो लिखी मैंने। तो इस तरह से रिश्तों का रिचार्ज लिखी, जहाँ आजकल रिश्ते, हम लोग मोबाइल दिन में 3 और 4 बार रिचार्ज करते हैं, लेकिन रिश्तों को रिचार्ज करना हम भूलते जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जरूर जरूर, क्यों नहीं लिख सकती हूँ मैं। जैसे अभी एक मेरी नई बुक का मैंने एक टाइटल सोचा है आशा, जिसमें मैं जो भी देखती हूँ उनके बारे में लिखती हूँ। अभी जैसे मैं लंदन गई थी तो मैं बगीचे में घूम रही थी, घूमते घूमते मैं देखा कि मैं जब जून में आई तो बगीचा पूरा फूलों से भरा हुआ था, लदा हुआ था डालियाँ, लेकिन अभी सारे पत्ते एक एक करके झड़ रहे हैं, लेकिन जो पेड़, बड़ा सा पेड़ था, वो अपनी जड़ों को संभाले वैसा ही खड़ा है, अपनी टहनियों को संभाले है। मतलब ये भी हमें कुछ ना कुछ संदेश देता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख आएगा तो उसके लिए बहुत आप इतराइए मत, और दुख आता है तो उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा आता ही है। आज पतझड़ है तो कल वसंत भी आएगा, तो इस तरह से मैं लिखती ही रहती हूँ। इस बारे में जी, पेंटिंग के बारे में या मैं जनरल बेसिक पेंटिंग्स बनाती हूँ, जो अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जिनको शायद हम देखते देखते हमको एहसास भी नहीं होता कि दे आर इम्पॉर्टेंट, और वो हमको बहुत कुछ कहती हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में बहुत कहती हूँ। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमको इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, बट खूबसूरती ऐसी नहीं है कि सिर्फ जो खूबसूरत चीज़ों में होती है, खूबसूरती इज़ ऑल्सो इन जो बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। आई जस्ट वॉन्ट टू पोर्ट्रे वो सब में कितने रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो एक घर के बहुत सारे सामान हैं उन सब में, आई जस्ट वॉन्ट टू पोर्ट्रे दैट। से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं जो काफ़ी हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा उसमें विविधताएं हैं, प्रतिभाएं हैं। तो ये जितने भी तीनों आर्टिस्ट हैं, मैंने अभी 2 पेंटिंग्स स्कैन की है, अनुक्ता जी की और अनामिका जी की, इंद्रानी की भी मुझे स्कैन करनी बाकी है। बट इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस कि इतने खूबसूरत आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं, एंड आई फील ऑनर्ड कि मैं ये पेंटिंग एग्जीबिशन में इन्वाइटेड था। थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड मनमोहन भाई, हु इन्वाइटेड मी, उन्होंने जिस काबिल मुझे समझा कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया।
I wish them luck, all the painters. मैं ना आपको सच बताता हूँ, स्कूल में था मेरा आर्ट का वो, और मैं इतना ख़राब पेंटर था ना, इतना ख़राब पेंटर था, मुझे रोज पिटाई होती थी मेरी डांस टीचर से, मेरे को ना एक सीधी लाइन नहीं बनती थी मुझसे। तो पेंटिंग से मैं बचपन से ड्रॉन हूँ, काफ़ी पेंटिंग्स लवर हूँ मैं, पेंटिंग लवर हूँ। और आर्टिस्ट चाहे कैसा भी हो, एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो पेंटर हो, आर्ट बेसिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट इज़ आवर ऑक्सीजन एज एन आर्टिस्ट। लेकिन मेरी बहुत पिटाई होती थी मुझसे पेंटिंग में, मेरे हाथ बहुत तंग थे और आज भी तंग है। थैंक यू सो मच, बटालियन रिलीज हुई, मेरे काम को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। अभी 3 फिल्में मैंने साइन की हैं मिस्टर SS राजामौली के एसोसिएट के साथ में, उनका नाम है वीर नारायण। पहली फिल्म मेरी फ्लोर में जा रही है फरवरी एंड में, भयम, फिर कासगंज है जो हम जून में शूट करेंगे, देन इन नवंबर अनदर फिल्म। तो 3 फिल्में हैं सर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग, गॉड ब्लेस यू।